टीवी का मोस्ट पॉपुलर शो नागिन का पांचवा सीजन टीवी पर प्रकाशित हो रहा है, जिसे दर्शक पिछले सीजन की तरह ही खूब प्यार दे रहे हैं। जहां दर्शक इस सीजन के लीड कलाकारों को पसंद कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा दर्शक शो में वीर का नेगेटिव रोल निभा रहे अभिनेता को पसंद कर रहे हैं, जो इस नेगेटिव किरदार को काफी परफेक्शन के साथ पर्दे पर उतार रहे हैं और दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप इनके बारे में तो सब जानते हैं, पर क्या आप इनकी पत्नी और बच्चों के बारे में जानते हैं कि वो कौन हैं, क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं? अगर आप भी इनकी पत्नी और बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें, और साथ ही इस शो के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नागिन 5 में वीर का किरदार निभाने वाले अभिनेता का असली नाम शरद मल्होत्रा है, जिनका जन्म 9 जनवरी 1983 को मुंबई में हुआ था, इसलिए इनकी सारी पढ़ाई भी वहीं से हुई। लेकिन अगर बात करें इनके एक्टिंग करियर के बारे में, तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2014 में रियलिटी शो इंडियाज सिने स्टार की खोज से की थी, जिसे ये जीत तो नहीं पाए, पर इनके अच्छे प्रदर्शन के चलते इन्हें इनका पहला शो प्रिंसेस डोली और उसका मैजिक बैग मिल गया था। पर इन्हें इनकी असली पहचान इनके अगले शो बनू में तेरी दुल्हन से मिली, जिसके बाद इन्होंने महाराणा प्रताप, कसम तेरे प्यार की और मुस्कान जैसे शोज में काम किया। वहीं वर्तमान में ये नागिन 5 में वीर का नेगेटिव किरदार निभा रहे हैं। लेकिन अगर बात करें इस दमदार अभिनेता के रियल लाइफ पत्नी और बच्चों के बारे में, तो इनकी पत्नी का नाम रिप्सी भाटिया है, जो दिल्ली बेस्ड एक फैशन डिजाइनर है। वो ड्रेस डिजाइन कर उनका रैंप शो भी ऑर्गेनाइज करवाती हैं। आपको बता दें कि यूं तो इन दोनों की शादी एक अरेंज मैरिज है, पर किसी लव मैरिज से कम नहीं है। शरद की मम्मी रिप्सी को काफी पहले से जानती थी। वो उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने रिप्सी को अपनी बहू के रूप में चुन लिया, पर शादी से पहले इन्होंने रिप्सी को जानने के लिए थोड़ा वक्त मांगा, इसलिए शरद की बहन ने शरद और रिप्सी को मिलवाया था, जिसके बाद दोनों अक्सर फोन पर बात किया करते थे, पर एक बार भी दोनों ने एक दूसरे को डेट नहीं किया, सिर्फ फोन पर बात करते थे। और बाद में दोनों ने शादी के लिए हाँ कर दी, जिसके बाद काफी धूमधाम से 19 अप्रैल 2019 को दोनों शादी के बंधन में हमेशा के लिए बंध गए। वर्तमान में दोनों की शादी को एक साल हो गए हैं और दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश हैं, पर फिलहाल दोनों का कोई बच्चा नहीं है। लेकिन दोनों अपने पहले बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं और हो सकता है कि शरद और रिप्सी जल्द ही हम सभी को खुशखबरी दे दें। तो दोस्तों, आपको इन दोनों की जोड़ी कैसी लगी, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।